खिदीरपुर कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन की ओर से आज एक दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज स्टूडेंट के साथ साथ समाज के हर तबके के लोग शामिल थे। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में तृणमूल नेता शाहबाज समीर और उनकी पूरी टीम का अहम रोल रहा। वही वार्ड नंबर 75 के काउंसलर निजामुद्दीन शम्स, वार्ड नंबर 76 के काउंसलर सस्ती दास समेत कई तृणमूल नेता इस दावत इफ्तार में शरीक हुए और लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की। आज खिदीरपुर कॉलेज में जो इफ्तार पार्टी रखा गया है, इसमें काफ़ी संख्या में यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, तो कैसा लग रहा है ये इफ्तार पार्टी को लेकर? खिदीरपुर कॉलेज एक ऐतिहासिक कॉलेज है, क्योंकि इस कॉलेज के क्षेत्र में अगल बगल जितने लोग हैं, यहाँ बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग रहते हैं और इसी कॉलेज से हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर निकले हैं। बड़े ऐसे आंदोलन के वक्त में भी, आज़ादी के वक्त में भी ऐसे बहुत से हमारे आंदोलनकारी थे जो इसी कॉलेज से जुड़े हुए थे, क्योंकि ये पहले स्कूल था, बाद में कॉलेज बना। और यहाँ आज दावत इफ्तार हमारे पूरे परिवार के, टीएमसी के परिवार का मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक कामयाब प्रोग्राम उन्होंने किया है, मैं सभी लोगों का, खास करके जितने लोग इसमें खट रहे थे, मेहनत कर रहे थे, चाहे वो शेर हो, फैसल हो, मैं इतना देख पा रहा हूँ, सोएब है, आकिब है, नईम है, अली है, तमाम लोग, सभी लोग हैं। मैं सबका नाम शाहबुद्दीन है, पीछे में सचिन है, जो जो नज़र आ रहा है नाम नहीं ले रहा हूँ, बाकी तमाम लोग, मैंने शहबाज एंड टीम तमाम टीम का इसमें एफर्ट था और बहुत अच्छा कार का इंतजाम इन्होंने किया। इतना अच्छा अच्छा आइटम जो है अभी भी देख पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, आइटम रह गया है, बिना आइटम कर दिया था मेरे भाई लोग कि हम लोग खा नहीं पाए हैं। हमारे बीच हमारे बड़े भाई, हमारे गार्जियन, जिनके वजह से आज खास करके पूरे खिदीरपुर में, पूरा खिदीरपुर एक तरफ है और इनका मोहब्बत एक तरफ है। मैं दिली मुबारकबाद हमारे भैया जनाब निजामुद्दीन शम्स साहब का देना चाहता हूँ। और सुस्ती दास जी अभी यहाँ मौजूद थे, हमारे इसी वार्ड के काउंसिलर और गोविंदा के, वो भी बहुत करीबी हमारे, वो भी यहाँ मौजूद थे, सभी यहाँ शामिल हुए। हमारे बहुत सारे अलग अलग जगह के लीडर आए, स्टूडेंट लीडर, चाहे वो ओम यादव हो, मैं देख रहा हूँ धीरज भाई को देख रहा हूँ, मैं संतन सनातन को देख रहा हूँ, मैं जिसान को देख रहा हूँ, तमाम लोग यहाँ, भोली भाई आए हुए हैं, हमारे विनोद सिंह जी आए हुए हैं, हमारे हरिमोहन घोष कॉलेज के तमाम लोग यहाँ मौजूद है, वाजिद भाई हमारा वार्ड के प्रेसिडेंट यूथ के, वो मौजूद है, मुन्ना भाई मौजूद है, बबलू भाई फिरोज साहब मौजूद है, तमाम लोग यहाँ मौजूद है। नाम लेना शुरू करूँगा तो खत्म नहीं होगा, इतने लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और यही हमारा भाईचारा है। यहाँ पर इफ्तार का इंतजाम हमारा भाई विनोद सिंह कर रहा है, हमारा भाई ओम यादव कर रहा है, धीरज सिंह कर रहा है। और दूसरी तरफ रामनवमी के मौके पर हम लोग खड़े होकर के जहाँ हमारे अपने भाई को शरबत पिलाते हैं, यही भाईचारा हमारा हिंदुस्तान का और हमारी बंगाल की है। इस बंगाल की इस हवा को खराब करने की जो कोशिश की जा रही है वो कभी भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि ये गंगा जमनी तहजीब की जगह है, ये कवि नजरुल की जगह है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर की जगह है, इस जगह को कभी भी कोई भी खराब नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या पहली बार यहाँ पे इफ्तार पार्टी का आयोजन? हर साल होता है, हर साल यहाँ इफ्तार पार्टी होता है, सरस्वती पूजा होता है, हर चीज़ यहाँ से धूमधाम से होता है। ईद के वक्त में भी हमारे यहाँ सवैया का इंतजाम होता है, तमाम लोग यहाँ आते हैं, एक साथ हम लोग बैठते हैं, ये कल्चर हम लोगों का रहा है, तमाम लोगों का, हम लोग का ये कल्चर रहा है। और खिदीरपुर कॉलेज में तमाम टीचर, तमाम स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, जिनकी वजह से एक साथ मिलकर के हम लोग ऐसे प्रोग्राम। तो आने वाले समय में ईद की पार्टी भी हम लोग इस कॉलेज में देखने को मिलेगा? 100% देखेंगे आप, मगर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हालात में बंगाल बहुत बड़ा चैनल है, आज के डेट में काफ़ी लोग व्यूअर्स हैं, ज़्यादा लोग अगर देख लेंगे तो काफ़ी लोग माना होगा, बहुत शॉर्ट पार्टी होगा हम लोगों का, क्योंकि बजट कम रहेगा, शॉर्ट पार्टी रहेगा। आप देखिए भैया का ऑर्डर जैसा होगा उसी तरह से काम होगा, और हमारे गार्जियन, हमारे लीडर जनाब फराज हकीम साहब की सरपरस्ती में एक थोड़ा सा पार्टी रखा जाएगा, आप लोग भी उसमें आए। और आपके तमाम व्यूअर्स से मैं कहूँगा आप सभी को ईद की मुबारकबाद, क्योंकि 2 दिन के बाद ही ईद है, आप सब अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, और दुआ करें ममता बनर्जी के लिए, दुआ करें फिरहाद हकीम के लिए, दुआ करें। इफ्तार पार्टी में जितने मुस्लिम थे उससे ज़्यादा मुझे हिंदू देखने को मिले इफ्तार पार्टी में, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? करना चाहता हूँ टीएनजी और हालांकि बंगाल को और हमारे इंडिया को, जिन्होंने आकर यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम को कवर किया और ये बताया हमारे व्यूअर्स को कि देखिए सब खिदीरपुर का पहचान महान और अलग बताते हैं, लेकिन खिदीरपुर कॉलेज का पहचान आज आपके मीडिया के माध्यम से पूरे कलकत्ता में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर राम भी एक है, रहीम भी एक है और रॉबिन भी एक है, यहाँ पर सब एक है, कोई गैर नहीं है। जिस तरीके से हम इफ्तार पार्टी को ऑर्गेनाइज कराए उसी तरीके से विवेक भी मेरे साथ कांधा से कांधा मिलाकर करा था, ठीक उसी प्रकार डेविड भी मेरे साथ कांधा से कांधा मिलाकर करा था। बस इसी के लिए खिदीरपुर का नाम कभी भी खराब ना हो और खिदीरपुर का नाम कभी भी बदनाम ना हो, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए खिदीरपुर कॉलेज ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और इस कदम पे हम आपके व्यूअर्स से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे साथ आते हैं।
क्या संदेश देंगे यहाँ से आप? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, यही है मतलब हिंदुस्तान। खिदिरपुर कॉलेज में जो इफ्तार का पार्टी यहाँ पे किया गया है, जो सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? हम तो 2015 के बाद हरचंद कॉलेज में आए हैं, तब से ही हम लोग सारा पार्टी करा रहे हैं और हर साल इसी तरह भीड़ होती है, कभी ऐसा नहीं लगता है कि भीड़ नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, आपके पास फोटो होगा, हमारे मुस्लिम जितने तो हिंदू भाई भी आए थे सत्तार पार्टी में, जितने मुस्लिम होते हिंदू उतना लड़का हिंदू उतना लड़की हिंदू, जितने मतलब बराबर का, ये नहीं कि ये सत्तार पार्टी तो हिंदू नहीं आएंगे तो होली नहीं आएगा। हम तो होली भी करते हैं कॉलेज में तो काफ़ी मुस्लिम आते हैं, हम लोग सरस्वती पूजा करते हैं तो काफ़ी मुस्लिम आते हैं, सत्तार पार्टी के काफ़ी हिंदू आए, तो हम लोग का एक ऐसा कल्चर है जिसमें फैमिली हम लोग 3 साल का फैमिली हम लोग कॉलेज का है, एडमिशन लिया 3 साल हम लोग सिद्धू जाता हो, 3 साल हम जो करेंगे चाहे किसी का बर्थडे हो चाहे किसी का शादी हो करते हैं, त्यौहार हो या दुर्गा पूजा हो सब मिल बातें करते हैं, ये हम लोग की एक तरीका है और इंशाल्लाह आगे भी इस तरह करते रहेंगे हम लोग।